नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल लुक माई नट्स। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सिपसैंग नट्स कैसे लगानी है। अब सिपसैंग नट्स के इस्तेमाल की बात करें तो दो प्रकार से हम उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अपने पास अगर एक लंबा रोप है, लंबी रस्सी है, तो उस रस्सी से हम उसको छोटा बना के, उसको छोटा आकार बना के उससे काम ले सकते हैं। तो उसको छोटा कैसे बनाना है, इस सिपसैंग का इस्तेमाल करके हम सीख लेंगे। और दूसरा अगर काम की बात करें तो अगर अपने पास जो रोप है और बीच में कहीं डैमेज है, खराब है, तो उस खराब या डैमेज हिस्से को हम अलग करके उस रोप से कैसे काम लेंगे ये भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सिपसैंग नट्स। तो बने रहे मेरे साथ। दोस्तों जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था सिपसैंग गठन का इस्तेमाल रोप को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है, और दूसरा इस्तेमाल बताया था कि रोप का अगर बीच में कहीं डैमेज या कहीं खराब है तो उस खराब हिस्से को अलग करके रोप से काम लेने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि रोप को छोटा कैसे करना है। तो डेमो के तौर पर हमने रोप लेके रखा है, तो अब इसके ऊपर देखते हैं दोस्तों। अब इस रोप के ऊपर कुछ इस तरह से आकृति बनानी है अपने, इस तरह से ये आकृति बन गई दोस्तों। तो आप देखिए दोनों तरफ दो लूप बन गया होगी, एक तरफ ये लूप और इस तरफ ये लूप, ये दो लूप बन गए। अब क्या करना है, लूप को पकड़ लेना है और जो आगे वाला हिस्सा है रोप का, इससे एक बार इस तरह से आटे लगानी है। आटे लगने के बाद यहाँ से रोप को घुमा के इस तरह आगे रख देना है। ये होगा दोस्तों यहाँ तक, ये सेम इस तरफ करना। अगर हमने रोप को इस तरफ से घुमाया तो इसके उल्टी डायरेक्शन में घुमा के इसको आटे लगा देने, इस तरह से। तो ये घुमा गया, ये घूमने के बाद ये रोप को बाहर निकाला और इस तरह से रख दिया। ये देख लीजिए कुछ इस तरह से इसकी आकृति आपको समझ में आ जाएगी। ये बनने के बाद करना दोनों तरफ के दो हिस्से पकड़ना है और ये इसके ऊपर लोड दे देना है। लोड देने के साथ साथ क्या होगा, ये गठन अपना काम करना शुरू कर जाएगी और जो पीछे का रोप है ये छोटा भी हो गया और हमारा काम भी पूरा हो रहा है। तो ये था दोस्तों रोप को छोटा करना। इसको बड़ा करने के लिए क्या है, इसको अगर आप लोड कम कर दोगे और उसको आराम से खोलोगे तो ये रोप अपना दोबारा बड़ा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा काम जो बताया था वो था कि रोप अगर कहीं बीच में डैमेज है तो उसको कैसे करना है। रोप के ऊपर डैमेज को दर्शाने के लिए, रोप जहां खराब है उसको दर्शाने के लिए मैंने क्या किया, रोप के एक धागा, एक अलग कलर का धागा बांध के रखा है। तो ये धागा हमें समझाएगा, बताएगा कि रोप यहाँ डैमेज है, अब इसको कैसे करना है। सेम वही प्रोसेस आपने क्या करना है, यहाँ एक इस तरह से आकृति बना लेनी, ये बन गया दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो डैमेज हिस्सा है ये बीच वाले, जैसे यहाँ एक दो तीन रोप के हिस्से बन गए तो बीच वाले हिस्से के ऊपर डैमेज रोप आना चाहिए। अब ये आने के बाद क्या करना है, सेम प्रोसेस आपने इसको घुमाया और यहां से एक आटी देके आगे ले गए। आगे ले जाने के बाद सेम यहां भी ऐसे यहां से घुमाया और यहां से आटी देके आगे ले गए। ये तो आप देख रहे दोस्तों यहां जो डैमेज हिस्सा था ये बीच में आ गया। अब ये होने के बाद इसको खींच दीजिए यहाँ, ये खींचने के बाद अब यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो डैमेज हिस्सा है, बीच में ये ढिलाई आप देख रहे हैं, ये दोनों हिस्से क्या है, नीचे वाले इनके ऊपर लोड है पर जो डैमेज हिस्सा वाला जो रोप है ये हिस्सा ये पूरा हिल रहा, मतलब ये पूरा ढीला है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं है। तो हमने देख लिया कि सिपसैंग गठन का इस्तेमाल करके हम डैमेज हिस्से को कुछ देर के लिए अलग रखते हुए इस रोप से काम ले सकते हैं। दोस्तों ये दोनों उपयोग देखने के बाद कभी क्या होता है, किसी के दिल में अगर ये सवाल आ गया कि हमने जो दोनों तरफ जो इस तरह से नॉर्मल घुमा के जो नॉर्मल गठन लगाए हुए है, अगर ये गठन खुल जाए तो कभी क्या हादसा भी हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यह इस गठन की जगह हम क्लोहिज भी लगा सकते हैं। मैं आपको क्लोहिज लगा के भी दिखा देता हूँ। अब क्लोहिज कैसे लगानी है, तो नॉर्मल क्लोहिज अपने हाथ में बना सकते हो या आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो अपने हाथ में बनाई क्लोहिज इस तरह से, ये क्लोहिज बन गई। क्लोहिज बनने के बाद अपने क्या करना है, इसके बीच में से जो लूप था इसके बीच में से यहाँ से पास कर देना है। ये पास होने के बाद ये क्लोहिज यहाँ जाम हो जाएगी। अब आप दोनों तरफ से एक एक क्लोहिज लगा दीजिए। क्लोहिज लगने के बाद जो पहले वाला जो नॉर्मल गठन थी उससे ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा, सुरक्षा होगी। तो यहाँ भी एक क्लोहिज लगा देते इस तरह से, ये हो गया। तो दोस्तों क्लोहिज और जो लूप था इसको इसके अंदर से फंसा दिया। अब क्लोहिज लगने के बाद देखिए क्या होता है, ये क्लोहिज को बढ़िया से अब यहाँ टाइट कर दीजिए। गठन कोई भी हो लगाते समय आपने ध्यान देके लगाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, कभी कभी गठन गलत लग जाती है और नुकसान हमें झेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ दोनों तरफ दो क्लोहिज लगी।
अब क्या है इसके अंदर और जो सुरक्षा प्रदान हो गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो सैमसंग नट्स है उसका इस्तेमाल और उसकी जो पहचान थी आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग नट्स गठनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।